सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के मकसद से शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही मुहिम के तहत शुक्रवार को जनरल शिक्षा अधिकारी आर एस पुरा की तरफ से सरकारी हाई स्कूल गुलाबगढ़ बस्ती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों को सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान सरपंच ओंकार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा JDEPO सुनील दत्त कैट विशेष तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य तथा विभिन्न पंचायतों के सरपंचों सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। बड़ी खुशी है कि इंडिया जड़ी मेहनत जड़ी है उसका आप करा रहे हैं और मैंने ICICI फाउंडेशन बैंक की तरफ मैंने कोई 50-60 स्कूलों के बीच काम करने का मौका मिलया और मैं सांबे तक और मैं अखनूर तक और जम्मू काफ़ी स्कूलों के बीच जरा मैं बैंडरा बनया और मैं काम करने का मौका मिलया और सरकारी स्कूल इन्ने अच्छे ढंग में चल रहे हैं और इन्ने अच्छे ढंग में पढ़ाई हो रही है और साढ़े बैंक के तरफों बाथरूम काफ़ी और भी काम जोड़े हैं सोलर जो लगाए गए हैं। अगर कोई ऐसा स्कूल साढ़े तो रह गया है तो बैंक की तरफ से कहा गया कि 31 मार्च के बाद वो बैंक वालों को कह सकते हैं वो जो काम अधूरा किसी का रह गया वो भी पूरा किया। ए सर्टिफिकेट एक होता है, बी सर्टिफिकेट और एक होता है सी सर्टिफिकेट। 2 साल के कोर्स के बाद बच्चे को ए सर्टिफिकेट मिलता है, जो बच्चे को स्पेशल कोई टाइम नहीं देना होता। उसमें सिर्फ बच्चे ने क्या करना है, 9th और 10th दोनों क्लासों में एक कैंप करना है बच्चे ने नगरोटा में जाके, जिसमें उसको आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाती है, वेपन ट्रेनिंग, कैसे हथियार कैसे चलाना है, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। 2 साल के बाद बच्चा जो है वो ए सर्टिफिकेट देता है, जिसके नंबर उसे अलग से मिलते हैं। जब आर्मी जब इन बार खुद ही इनको साहस होगा कि हमने हमारे भी स्कूल को जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इनको खुद ही साहस होगा, नेचुरली खुद ही साहस होगा कि हमने अपनी जो ड्यूटीज हैं ना, जो हमारे फर्ज हैं वो हमें कैसे पूरे करने हैं। देखो फॉल्ट यहाँ पर फॉल्ट कहाँ पर है, यदि कोई एग्जाम्पल ले लो तो पेड़ है, कहीं पेड़ है यदि हमने उसको पानी देना है तो उसको पानी कहाँ से देना है, हम क्या कर रहे हैं। हम